नमस्कार, सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से विधि रचनाकार की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ये सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में विधि रचनाकार के पोस्ट पे काम करने का, वो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। तो अगर आप भी एक लोग ग्रेजुएट हैं और इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकल करके आई हुई है, कितनी पोस्ट हैं, कितनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल लग रही है, उसके अलावा कैसे इसके लिए अप्लाई करनी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं हम जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जो रिक्रूटमेंट वाली सेक्शन है वहाँ पे है, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा विधि रचनाकार 2024। तो यहाँ पे से आप जो इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, और हमने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से निकल करके आई हुई है, और इसकी जो डेट है 1/1/2024 है, यानी कि इस डेट को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अंतर्गत जो है 9 पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई है विधि रचनाकार की, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भी लोग ग्रेजुएट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करनी होगी। और यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकल करके आई हुई है, यानी किस कैटेगरी को कितनी सीट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई हुई है। इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने जो है 3 ईयर्स का LLB कोर्स किया हुआ है या आपने जो है 2 ईयर्स का LLB कोर्स किया हुआ है। देखिए, ओल्ड स्कीम में जो है 2 साल का LLB हुआ करता था, तो अगर आपने वो कर रखा है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने जो है 3 ईयर्स का LLB कोर्स किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया है वहाँ से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो BA एग्जामिनेशन है उसमें कम से कम हिंदी और इंग्लिश जो है सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, कम से कम ऑप्शनल में भी ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो है हिंदी रिटेन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट है और जो राजस्थानी कल्चर है उसके नॉलेज होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पे इसकी जो सैलरी की जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 4200 का ग्रेड पे है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलने वाली है। वैसे ये जो गवर्नमेंट जॉब है तो आपको यहाँ पे सैलरी तो अच्छी मिलने ही वाली है, और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे हम जानते हैं वो आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1/1/2025 के आधार पर आपकी एज की गणना की जाएगी, यानी कि 1/1/2025 तक अगर आपकी एज 21 साल कम से कम और अधिकतम 40 साल है तो अभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 21 से 40 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एज की गणना जो है 1/1/2025 के आधार पे कर लेंगे। वैसे यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे आयु सीमा में छूट भी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको जो है यहाँ पे 5 वर्ष तक अधिकतम आयु से छूट दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया गया है। वहीं राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग की महिलाएं हैं उनको जो यहाँ पे 10 साल का जो है छूट दिया गया है। वहीं विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी कि परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला को यहाँ पे जो है आयु सीमा में कोई लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है, यानी किसी भी एज की जो महिला है, जो विधवा महिला है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो उनकी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा, और इसी के माध्यम से उनको जो है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। परीक्षा की डेट और परीक्षा का जो प्लेस है कहाँ पे होगी इसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और यदि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको इसके बारे में हमारे चैनल से भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे लीगल जॉब से रिलेटेड वीडियोज हमेशा अपलोड की जाती है। और यदि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसकी जो यहाँ पे सिलेबस रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी जो रिटेन एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसके लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे वाइवा कराया जाएगा। तो आपकी जो रिटेन एग्जामिनेशन होगी और वाइवा होगी इसी के आधार पे आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप इसके लिए 5 जनवरी 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रात्रि के 12 बजे तक। वैसे अगर आपको इसके लिए अप्लाई करनी है और कैसे करनी है ये समझ नहीं आ रही है तो हम 5 तारीख के बाद जो है आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दे देंगे इसी चैनल पर, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे उसमें हम आपको लाइव जो है अप्लाई करके दिखा देंगे। तो अगर आप उस वीडियो को चाहते हैं कि हम उस वीडियो को बनाएं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है और वहाँ पे जाकर के सबसे पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करनी है वहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी भी जमा करनी है। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यानी ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपये यहाँ पर रखी गई है। वहीं जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है ये सभी राजस्थान स्टेट के होने चाहिए। अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो है सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग में फॉर्म फिल करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फी है वो भी 600 रुपये ही लगने वाली है। और यदि आप राजस्थान स्टेट के ही रहने वाले हैं तब जाके ये जो नियम है आप पे लागू होगी, यानी कि जो अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपये जमा करनी होगी और यदि आप दिव्यांग जन हैं तो आप तब भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 400 रुपये जमा करनी है। अदरवाइज अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जमा करनी होगी। आप इसके लिए अपने मोबाइल से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कैसे करनी है अब उसके बारे में हम आपको एक डिटेल्स वीडियो देने वाले हैं इसी चैनल पे, तो याद रखें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि जब भी हम इसके लिए वीडियो बनाएं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है ये और इसके लिए सभी लोग ग्रेजुएट्स को अप्लाई करने चाहिए। और जल्द ही मिलते हैं एक और नए लीगल वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।